बुलंदशहर में दबंगों ने की डीएम और एसएसपी आवास के पास फायरिंग। फायरिंग से इलाके में मचा हड़कंप। बाई हटाने को लेकर विवाद के चलते की गई फायरिंग। पीलीभीत में नवीन मंडी समिति परिसर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 1 अक्टूबर से शुरू होनी है धान की खरीद। धान की खरीद को लेकर मंडी में लगाए जाएंगे 22 केंद्र। उत्तर प्रदेश में तेज हुई सियासी हलचल। शिवपाल के घर पहुंचे ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर। शिवपाल के घर पर तीनों नेताओं ने की बैठक। कानपुर में आईएएस इफ्तारुद्दीन के खिलाफ बजरंग दल ने की नारेबाजी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया डीएसपी कार्यालय का घेराव। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने से पहले ही हलचल का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते कहीं कोई किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है, तो कहीं जो पहले एक दूसरे पर आरोप लगाया करते थे, आज एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपाल के घर पर अचानक हलचल तेज हो गई। दरअसल ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर के शिवपाल के घर पर देखे जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया, जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपी की राजनीति में नया मोर्चा बन रहा है। खैर, चारों नेताओं की मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई, इसका कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव यूपी में बेहद नजदीक है और ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि शिवपाल के घर पर ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर पहुंचे हैं। तीनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई, बैठक हुई, हालांकि किस मुद्दे पर चर्चा हुई अभी इस बात का जिक्र नहीं हो पाया है। जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस मुद्दे पर और किस चीज को लेकर वहां पर बातचीत हुई, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि कई एक नया मोर्चा तो अब खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से इन तीनों चारों नेताओं ने मुलाकात की है, लगातार अटकलें लगाई जा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि तीनों कहीं एक ये अलग मोर्चा तो नहीं बना रहे या फिर एक साथ चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, जिस तरह से शिवपाल के घर पर ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर वहां पर पहुंचे, किस मुद्दे पर इन सब की बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पारुल, देखिए, रात में कल अचानक से ये बैठक हुई और शिवपाल के घर पे हुई है। ओवैसी है, राजभर थे और साथ ही साथ चंद्रशेखर रावण जो थे वो मौजूद थे। हालांकि कयास यही लगाया जा रहा है कि गठबंधन को लेकर जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि तीनों नेताएं जो है वो शिवपाल यादव के आवास पे अचानक से पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव नाराजगी भी दिखा रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में बयान भी दिया था कि अखिलेश यादव अगर उनको गठबंधन करना है तो समय बहुत कम है, वक्त रहते अपनी सीमा तैयार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई भी अखिलेश यादव की तरफ से भी इशारा नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कल रातों रात ऐसी बैठकें होंगी उनमें कहीं ना कहीं इन तीनों के जो आपसी सहमति के साथ साथ कहीं ना कहीं जरूर माना जा रहा है गठबंधन की तैयारी हो सकती है। जी पारू, जी बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से देखा जाए इन चारों नेताओं की अचानक से जो मुलाकात हुई और जो जानकारी सामने आई कि चारों नेताओं ने बैठ के बैठक की है, तो कहीं ना कहीं रूबी ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव जिस तरह से नजदीक है उस तरह से कोई भी कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप भी लगाते नजर आते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गए तो सभी एक साथ मिलकर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पारुल, राजनीति होती ही ऐसी है कि समय रहते आपसी गठबंधन कर लिया जाता है, आपसी तय तोड़ कर लिया जाता है। हालांकि कल सुबह की अगर हम बात करते हैं तो शिवपाल यादव ने एक बैठक करी थी जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कहीं से भी कोई गठबंधन नहीं बनता है तो वो 403 विधानसभाओं पे पूरी अकेले लड़ेंगे, लेकिन रातों रात इस तरीके से जो बैठक हुई है इनके घर पे, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो दिशा है वो विपरीत जरूर होती नजर आ रही है, क्योंकि ओवैसी के पहले भी इनके घर आए थे और उनके साथ एक बातचीत हुई थी, उस बारे में विराम ये लगा दिया गया था कि ऐसे ही बातचीत करने के लिए आए थे, ऐसे ही मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन कल रात में ओवैसी और फिर राजभर और साथ ही साथ चंद्रशेखर रावण भी मौजूद थे,
तो अब बिल्कुल साफ इशारा यही है कि कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर जरूर तैयारी हो रही है। और ये भी कहा जा सकता है सूत्रों के हवाले से कि शिवपाल यादव ने पहले भी कहा है कि अगर अखिलेश यादव की तरफ से निमंत्रण नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ने के लिए शिवपाल यादव की जो पार्टी है वो अकेले भी सक्षम है। लेकिन अगर ऐसे में रातों रात ऐसी बैठकें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तीन मोर्चा तैयारी हो सकती है। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं जो बैठक ये हुई है कल रात अचानक से चारों नेता मिले, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं ये लोग? निश्चित तौर पे पारू कहा जा सकता है क्योंकि शिवपाल यादव आज कल के अंदर में बैठक करने वाले हैं लखनऊ में, काफी बड़ी बैठक है जिसमें शिवपाल यादव के जितने भी प्रगतिशील पार्टी के जो भी लोग हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ ओवैसी आज फिर अभी सूचना यही मिल रही थी आज इनके साथ फिर एक बैठक होगी और उस बैठक में निश्चित तौर पर यह तय तोड़ जरूर कर लिया जाएगा कि आखिरकार गठबंधन करना है या नहीं करना है। जी चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवपाल के घर पर सियासी हलचल देखी गई कल, जिस तरह से ओवैसी, चंद्रशेखर, राजभर तीनों ही नेता शिवपाल के घर पर पहुंचे तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि एक तरह से ये कहा जाने लगा, अंदाजा लगाया जाने लगा है कि यूपी की राजनीति में एक नया मोर्चा बन रहा है। हालांकि खैर देखिए, इन चारों नेताओं की मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई है इसका अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब हो सकता है ये चारों एक गठबंधन के तौर पर गठबंधन कर सामने आए और आने वाले दिनों में ऐलान इस बात का कर दें। नैनीताल की नगर पालिका में बीते कुछ समय से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले नगर पालिका की कार्य प्रणाली से नाखुश होकर एक दर्जन से ज्यादा सभासदों ने कुमाऊं आयुक्त कार्यालय में संयुक्त रूप से इस्तीफा दे दिया था। अब भविष्य निधि की टीम के आने पर टीम को संतुष्ट न करने पर टीम ने अकाउंट्स विभाग पटल को सील कर दिया। यहां बता दें कि 2011 के बाद सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को संविदा कर्मचारियों और ठेकेदारों के कर्मचारियों का पीएफ जमा कराने के निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन नगर पालिका नैनीताल की तरफ से कई बार नोटिस के बाद भी कर्मचारियों और ठेकेदारों के कर्मचारियों के पीएफ का ब्यौरा नहीं दिया गया, जिस पर नगर पालिका के अकाउंट्स कार्यालय को भविष्य निधि टीम ने सील कर दिया है। तो नैनीताल का ये पूरा मामला है जहां पर दर्जन भर से ज्यादा सभासदों ने इस्तीफा दे दिया है, नगर पालिका का अकाउंट भी विभाग पटल सील हो चुका है। कानपुर में सीनियर आईएएस इफ्ता खारुद्दीन की तरफ से संचालित कट्टरता की पाठशाला के मामले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आईएएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी के साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ता ने आईएएस इफ्तखारुद्दीन पर देश तोड़ने का आरोप भी लगाया और इफ्तखारुद्दीन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि जिसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी दक्षिण कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर बजरंग दल ने ये विरोध प्रदर्शन किया, बजरंग दल ने आईएएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, थाने का घेराव किया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। सबसे पहले कानपुर की धर्मभूमि और कर्मभूमि से हम माननीय योगी जी से ये आह्वान करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर द्वारा, इफ्तखारुद्दीन द्वारा जिस तरह से एक एजेंडा चलाया जा रहा है, अभी तक मौलाना शामिल थे और अब तो एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर भी इसमें शामिल हो चुके हैं, इससे पता चलता है कि इनका जड़ें जो है इतनी गहरी हो चुकी हैं धर्मांतरण के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो अपनी ये जहर उगल रहे हैं। तो हम सबसे पहले योगी से आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को तत्काल रूप से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार किया जाए और हिंदुओं के खिलाफ जो ये अत्याचार हो रहा है, उसका हम लोग का जो शोषण हो रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही हम ये योगी जी से आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदुत्व को, जिस तरीके से हम हिंदू बहुसंख्य में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और देश में एक संविधान, एक कानून लागू किया जाए, ये हम उनसे अनुरोध करते हैं। और जिनको भी इस्लामिक कल्चर से बहुत प्यार है,
बहुत मोहब्बत है, 54 देश है इस विश्व में, वो वहाँ जाए, वहाँ अपना इस्लामिक प्रचार करे, प्रसार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हिंदुओं के देश में एक संविधान और एक कानून के तहत उनको काम करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, और जिसको आपत्ति है वो देश छोड़कर जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से देखा जाए बीते कई दिनों से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्यों अब तक आईएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है? बिल्कुल, देखिए, एक ये आईएएस जो है वो सीनियर आईएएस हैं और इस समय जो है अपर मुख्य सचिव के रूप में जो है उत्तर प्रदेश सरकार में, सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत हैं। इनके खिलाफ जो वीडियो निकल कर आया था उस पूरे मामले पर जो है शासन ने जांच बैठा रखी है, और सीबीसीआईडी के जो डीजी है जीएल मीणा वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बाकायदा कमेटी गठित कर दी गई है। जीएल मीणा कल रात में कानपुर आए भी थे और उन्होंने जो कमिश्नर का जो आवास है, जो बंगला है, वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन भी की है। लेकिन इससे इतर जो है वो जो बजरंग दल के लोग हैं और मठ मंदिर समन्वय समिति के जो लोग हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से फारुद्दीन को जो है बर्खास्त किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि पद पे रहते हुए कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो सीनियर आईएएस अधिकारी है। जी, उनकी भी मांग अगर देखा जाए तो जायज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है जब भी कोई अधिकारी पद पर होता है तो वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करता है, और इसी बात को लेकर जो है जो बजरंग दल के लोग हैं या अन्य जो राजनीतिक लोग हैं वो इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि इनको जो तत्काल बर्खास्त किया जाए या इनको सस्पेंड किया जाए, उसके बाद पूरे मामले की जांच कराई जाए। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से देखा जाए आईएएस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है और वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें भी सबने देखा था, उसके बाद ये बजरंग दल लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है, गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो कमेटी जो शासन की तरफ से नियुक्त की गई है उस कमेटी में वो पूरा जो है सहयोग कर रहे हैं, शासन की तरफ से जो भी सहयोग मांगा जा रहा है वो कानपुर कमिश्नर जो कानपुर पुलिस कमिश्नर आती है उस पर वो भी सहयोग करने को तैयार है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो व्यक्ति शासन में ऑलरेडी एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ नीचे के तबके के अधिकारी किस तरह से जांच कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इसी बात को लेकर जो है बजरंग दल हंगामा खड़ा कर रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है पहले इनको निलंबित किया जाए, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि जो वीडियो निकल कर आया है प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि वो जो कमिश्नर आवास के अंदर ही इस तरह की तकरीर की गई थी, और इस तरह से देश को तोड़ने का काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो अभी भी शासन में बैठे हुए हैं। जी, चलिए आशीष, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर बजरंग दल ने डीसीपी कार्यालय का घेराव किया, साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आईएएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और इसी के साथ बजरंग दल कार्यकर्ता ने आईएएस पर देश तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी की, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी दक्षिण कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। कानपुर में आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच रहे हैं, साथ ही अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंचेंगे, दोनों नेता का वहां पर दौरा है। ऐसे में कानपुर में 5 परियोजनाओं का योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, साथ ही जनसभा को भी वो वहां पर संबोधित करेंगे। तो बता दें, कानपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, लगातार चुनावी दौरा योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है, हर दिन किसी न किसी जिले का दौरा मुख्यमंत्री करते हैं, और ऐसे में आज अखिलेश यादव भी अपने चुनावी दौरे पर कानपुर पहुंच रहे हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, किस समय तक वो पहुंचेंगे और कहां कहां वो कब कब जाएंगे कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर में जनसभा कानपुर के डीएवी ग्राउंड में है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था उस समय मोदी की लहर थी और मोदी की लहर में के बावजूद कानपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी सपा के खाते में गई थी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी। इन्हीं 3 सीटों को फोकस करते हुए आज जनसभा रखी गई है और जो कि कानपुर के डीएवी ग्राउंड में जी। योगी आदित्यनाथ का सीधा फोकस होगा कि इन 3 सीटों को जो सीटें पिछली बार हारी थी वो सीटें इस बार जो है बीजेपी के खाते में आ जाएं। इसके अलावा जो कानपुर में जो और भी प्रोजेक्ट सरकार के जो चल रहे हैं उनके भी जो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल आशीष, और अखिलेश यादव भी कानपुर पहुँच रहे हैं, उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए जो मनीष गुप्ता जिसकी गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा निशंस हत्या कर दी गई है उसके परिजनों से मिलने का कानपुर में कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत कल भी जो है सपा के कई कार्यकर्ता का एक प्रतिनिधि दल जो है वो मनीष गुप्ता की पत्नी जो मीनाक्षी गुप्ता उससे भेंट करने गए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस कर्मियों ने जिस तरह से निशंस हत्या गोरखपुर के एक होटल में जाकर मारपीट पीट कर की है उस पूरे मामले पर जो है तत्काल प्रभाव से उन पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो परिवार है उसका सहयोग सरकार को करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और क्या आशीष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मनीष के परिवार से मुलाकात करने जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ से इस बात का आश्वासन कल दिया गया था क्योंकि मनीष गुप्ता की जो पत्नी है उसने साफ तौर पर बोल रखा था कि मैं तब तक अंतिम संस्कार अपने पति का नहीं करूंगी जब तक मुख्यमंत्री योगी नाथ से मेरी मुलाकात नहीं हो जाती है। इसी बात पर वो अभी भी अड़ी हुई है। इसको लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने कल ही ये बता दिया था कि हाँ आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ और इसके कार्यक्रम के दौरान संभवतः उनसे उनकी मुलाकात आज करा दी जाएगी। जी जी चलिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, साथ ही अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जबकि अखिलेश यादव कानपुर में व्यापारी की हत्या के बाद उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। हाथरस पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप और समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव की तैयारियों की बारीकियों को सिखाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमलावर होते हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बताया कि बीजेपी ने सभी को लूटा है, उनके कार्यकाल में बहन बेटियों की आवरू लूटी है, कोरोना काल में लोगों के रोजगार खत्म हो गए, कई किलोमीटर पैदल यात्रा कर अपने घरों को जाते समय सड़कों पर भूख प्यास से लोगों की मौत हुई है, सरकारी संपत्ति को बेच दिया गया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई युवा को रोजगार नहीं दिया, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, इसका जवाब जनता उन्हें 2022 में देने वाली है। तो बता दें हाथरस में प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के से परेशान है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, चरम सीमा पे ध्वस्त कानून व्यवस्था और किसान, नौजवान, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, ये सब मुद्दे हैं और विकास तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। जो कुछ विकास दिखाई पड़ रहा वो माननीय अखिलेश यादव जी का विकास दिखाई पड़ रहा। आप कल से हाथरस में हैं, हाथरस में आपने देखा है बीजेपी के जो विधायक भी रहे हैं विकास कार्य को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं विकास तो हमें हाथरस में दिखाई नहीं पड़ा, जो विकास दिखाई पड़ रहा वो माननीय अखिलेश यादव जी का दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी का तो कहीं 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं दिखाई पड़ी मुझे, जितनी सड़कें और जितने अस्पताल से लेके एम्बुलेंस जो कुछ दिखाई पड़ा समाजवादी।
बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दी। ये फायरिंग डीएम और एसएसपी आवास के पास की गई। वहीं फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो बुलंदशहर का यह पूरा मामला है जहाँ पर बाइक हटाने को लेकर दबंगों की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि जिस इलाके में और जहाँ पर फायरिंग की गई वहाँ पर उसी के पास डीएम और एसएसपी का आवास था। इलाके में जब फायरिंग हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, अभी लगभग आधे घंटे पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक फायरिंग हुई है। किसी ने की है, पैथोलॉजी लैब है, यहाँ पे उनके मालिक है, यहाँ पे खड़े हुए थे, अपनी स्कूटी निकाल रहे थे, उस पर विवाद हुआ है किसी ने, तो व्यक्ति ने आके उनको ताव में अपना पिस्टल दिखा के हवा में फायरिंग करी है। उसके बाद व्यक्ति भाग गया है। अभी हमारी पुलिस लगी हुई है, व्यक्ति की पहचान कर रही है। वीडियो से पुष्टि हुई है कि हाँ, फायरिंग की घटना सत्य है और अभी हम लोग लगे हुए हैं। आज क्या नाम है आपका? राजचंद वर्मा। क्या क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ ये कि मैं जो है एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ जीएसटी की। उससे पहले कंसल्टेशन से स्टार्ट हो गया हूँ। मैं अपना ऑफिस से जो है घर के लिए जा रहा था। सामने जो है केडिया प्रोविजन स्टोर से कोई गवर्नमेंट ने आया था लड़का, वो मेरी जस्ट ऑफिस के आगे अपनी बाइक लगा रखी थी। हमने कहा भाई ये बाइक हटा लो। उन्होंने क्यों डाला? हमने अपनी जो है स्कूटी जो दूसरी साइड में आगे वाली दुकान है उसके आगे से निकालने की कोशिश की। सामने से वाहन गुजर रहे थे। हमने कहा भाई हमारी स्कूटी नहीं निकल पाई, थोड़ा 4 इंच तो पीछे खिसका लो, ये तो मेरा ऑफिस है। बोले तुझे दिखाई दे रहा, तुम्हें जगह नहीं दिखाई दे रही आगे? मैंने कहा यार ये मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस के आगे खड़ा हुआ हूँ। सामने फिर भी मैं दूसरी साइड से स्कूटी निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा तो कर लो। उसके बाद नहीं तो फिर वो बदतमीज एब्यूज करने लगा। उसके बाद ये भतीजे हमारे आगे बोले ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो उनको भी बिजली करने लगा। वहीं पीलीभीत के नवीन मंडी समिति परिसर में धान खरीद को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने जा रही है। वहीं धान की खरीद को लेकर मंडी में 22 केंद्र लगाए जाएंगे और पूरे जिले में धान खरीद को लेकर कुल 83 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ ही माफियाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। ऐसे में किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। 1 अक्टूबर से धान की खरीद जनपद में भी प्रारंभ हुई है। इसको लेके शासन भी गंभीर है कि हमारे हर किसान भाई को वाजिब दाम जो सरकार ने तय करा है वो दाम मिलना चाहिए। इसको लेके नई क्रय नीति भी आई है। उसी के हिसाब से आज मैंने मंडी पीलीभीत का निरीक्षण करा और हमारे जो केंद्र यहाँ पे खुलने हैं उनके जिला प्रबंधक भी मेरे साथ थे, मंडी सचिव भी यहाँ पे साथ में थे और 22 केंद्र जो मंडी के अंदर निर्धारित हुए हैं और कुल अभी तक 83 केंद्र जनपद में निर्धारित हुए हैं। उनको लेके एसडीएम्स भी आज केंद्र की चेकिंग कर रहे हैं और मैंने भी यहाँ पे आके दिशा निर्देश दिए कि 1 तारीख को हमारे सभी कांटे डस्टर नमी मापक यंत्र इसको लेते हुए बैनर के साथ व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहनी चाहिए। ये निर्देश दिया गया है कि कल शाम तक ये व्यवस्थाएँ पूरी कर लें, जिससे परसों जब हमारे किसान भाई धान लेकर आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सर, माफियाओं पर लगाम कसने के लिए कुछ अलग से स्टेप लिए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, ये सब क्या तैयारियाँ हैं? ये ज़रूरी है कि हमारे किसान भाइयों को सही मूल्य जो सरकार देती है वो सीधे उनके खातों में मिले। तो ज़रूरी है कि जो व्यक्ति इस सोच से इतर हैं, जो इसमें सेंध लगाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ये देखा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, इसको लेके एक विशेष दस्ता बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी करे जा रहे हैं, जो हर तहसील के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होंगे जिनका प्रचार प्रसार करा जाएगा। मंडी के गेटों पे सभी मंडियों में कैमरे लगवाए जा रहे हैं, जिससे जो भी अवांछनीय तत्व अगर कोई आते हैं तो उन पे नज़र रखी जा सके। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ चर्चा हुई है, इसमें फोर्स की भी मौजूदगी इस बार ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे है प्रयास यही करा जाएगा कि जो सही किसान है, खासकर हमारे छोटे मध्यम किसान, उनको असुविधा ना हो और जो भी इस प्रक्रिया को बाधित करने की सोचते हों, ऐसे ख्याल रखते हों, उन पे हम अंकुश लगा सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।